हेलो दोस्तों, डीके जी मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स क्या होता है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पे एक, ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे एक डेसिमल लगा है, इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा है, ठीक, हम कुछ देर के लिए इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं, ठीक, और केवल यहाँ पे 515 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 54 जा 20, 5 को 20 का 2 0 वहाँ से लगे 2, ठीक। 4 और 2 6, 54 जा 20, ठीक, 1 से गुणा करें तो वही आएगा, तो 515 ऐड कर देंगे इसको, 065 11 11 और यहाँ 1 एक हासिल, यहाँ पे कितना होगा 2, 5 और 2 7, ठीक, कितना हुआ 7210, ठीक, ये हमारा आंसर है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो पीछे से देखेंगे यहाँ पे 12, ठीक, तो दो डिजिट के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो 12, ठीक, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं तो हम जान लेते हैं। इसमें पहला रूल क्या होता है, अगर हम 10 को अगर हम किसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगा है ये, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो क्या लिखा है, शिफ्ट वन प्लेस ऑफ द राइट साइड, मतलब जो हमारा डेसिमल होगा वो राइट साइड, मतलब वन डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए इधर शिफ्ट हो गया, ठीक, ये 10 से मल्टीप्लाई किए तब हुआ है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट टू प्लेस ऑफ द राइट साइड, मतलब दो प्लेस राइट साइड हमारा डेसिमल क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ है तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये इस तरह, ठीक। फिर तीसरा रूल क्या होता है, शिफ्ट 3 प्लेस ऑफ द राइट साइड, मतलब जो डेसिमल हमारा होगा वो 3 डिजिट राइट साइड आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ है तो 1 2 3, ठीक, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक, ये 1000 से मल्टीप्लाई करने पे हुआ है, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल्स मतलब यह है, ठीक, तो ये फर्स्ट रूल होता है, क्वेश्चन भी है और फर्स्ट रूल भी है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2 दशमलव लगे हैं, यहाँ पे भी दशमलव लगा, यहाँ पे दशमलव लगा है, तो इसका मतलब था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल्स, ठीक। इसमें हम कुछ देर के लिए यहाँ पे हम पॉइंट भूल जाते हैं, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगे हैं तो उसको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 605 और 15 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना होगा हमारे पास, 9075 हुआ, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे 9075, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई में पीछे से 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है हमारा, दशमलव लगा, तो यहाँ हम काउंट करेंगे पीछे से, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा इस तरह, ठीक। अब डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स क्या होता है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स में हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास 1 डेसिमल्स को हम इससे अगर हम मल्टी वो भाग करेंगे, ठीक, डिवीज़न करेंगे 2.24 को 4 से हम डिवीज़न करते हैं, तो यहाँ पे हम भी कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं, ये हमारा डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स है, ठीक। तो यहाँ पे हम कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं और 4 को इससे हम डिवीज़न करेंगे, ठीक, तो कितना आंसर हमारे पास आएगा, 56 यानी 56 आएगा, 56 आएगा, ठीक, 56 आया यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगा, ठीक, तो दशमलव कहाँ पे लगा, ये यहाँ पे लगा है, तो 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा है, ठीक।
तो ये वन डिजिट आगे खिसक जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा यहाँ पे दशमलव, तो ये यहाँ लगा है तो हमारा दशमलव यहाँ पे देखिए कहाँ लगा है, दो डिजिट के बाद लगा है 1 2, तो यहाँ पे पीछे से दो डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा डिसमल्स, तो 1 2 ठीक। तो यहाँ पे डिसमल्स आएगा दो डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब देखिए इसके भी रूल्स होते हैं कुछ, ठीक। तो फर्स्ट रूल क्या हमारा होता है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक, किसी हम मल्टी डेसिमल्स को, डेसिमल्स वाली संख्या को अगर हम 10 से मल्टी डिवीज़न करते हैं, मतलब भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं शिफ्ट वन प्लेस ऑफ द लेफ्ट, मतलब तो दशमलव होगा हमारा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे है दशमलव तो हमारा कहाँ चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक। सेकंड रूल क्या होता है, अगर इसको हम हंड्रेड से भाग करते हैं, ठीक, हंड्रेड से भाग किया मतलब शिफ्ट टू प्लेस ऑफ द लेफ्ट, मतलब दो प्लेस हमारा दशमलव लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव लगा तो दो आगे आ जाएगा, दो प्लेस आगे नहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ हो गया, ठीक, 0.575 हो जाएगा। अगर हम उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितने प्लेस आगे बढ़ेगा, शिफ्ट होगा दशमलव 1 2 3, यानी 3 शिफ्ट, ये यहाँ पे 3 है, 1000 है तो 3 शिफ्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 3 मतलब स्टेप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3, ठीक, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, लिखा नहीं शिफ्ट 3 प्लेस ऑफ द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय अनदर डेसिमल्स, मतलब अगर क्वेश्चन में दो बार मतलब डेसिमल्स आए हों तब क्या करेंगे, जैसे हमको 7.2 को 0.8 से हमको डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। इसके भी रूल्स होते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास वन मतलब डिजिट के बाद जीरो आ रहा है, मतलब वन डिजिट यहाँ पे इधर से पॉइंट लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक, ये किया हम 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये पॉइंट जो है यहाँ है, तो यहाँ आगे खिसक जाएगा इस राइट साइड में, ठीक, यहाँ पे खिसक जाएगा। मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में हमारा दशमलव जो होता है मल्टीप्लाई में वो राइट साइड इधर आता है, ठीक, इधर खिसकता है हमारा डेसिमल, और डिवीज़न में क्या होता है वो इस साइड हमारा डेसिमल्स शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेसिमल इस साइड शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट होके ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो जीरो का मतलब तो यहाँ नहीं फिर दशमलव गया था, तो अब उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 72/8, मतलब 72/8, तो उसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 9 जा 72, ठीक, तो हमारा आंसर आएगा 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है ये, ठीक, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0206.28/0.12। तो यहाँ पे देखिए मतलब डेसिमल्स के बाद जितने अगर डिजिट हो उतने से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू डिजिट है हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अगर 3 डिजिट होती डेसिमल के बाद तो कितने मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, यहाँ पे एक डिजिट थी तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो उसको 100 से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ डेसिमल्स इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 0 6 2 8/1 2, ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इस तरह, ठीक। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे हमारा क्या आएगा, आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लिख कर 12/ ये, ठीक, अगर 12 बन जा 12, ठीक, कितना हुआ यहाँ पे 12 बन जा 12 हुआ, कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, तो हमने यहाँ पे 6 इस तरह लिख लेंगे, ठीक। तो फिर 12 7 जा 84, ठीक, 84 हुआ, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 2 टर्न हमने उतार लिया, फिर 12 बन जा 12, ठीक, कितना बचा यहाँ पे 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, नहीं 0 क्यों बचेगा, यहाँ पे
हम हांसी लेके करेंगे ना, जैसे हांसी लिए कितना बचा यहाँ पे 12, 12 से 12 नहीं जाएगा ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 0 ही बचेगा, ठीक 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पे 2 से 2 माइनस ही करेंगे, डिवाइड वाला है ही नहीं कोई सिस्टम यहाँ पे, ठीक। फिर 2 से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, उसके बाद हम यहाँ पे 8 को हम यहाँ पे इस तरह शिफ्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद 12 नाइनजा 100, 12 नाइनजा 108 होता है, ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1719, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ हमारा ये है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कितने मतलब डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट वाला तो सिस्टम है नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हट गया था पहले से, तो सीधा ये आंसर आ गया हमारा, ठीक ठीक है बच्चों, थैंक यू दोस्तों।